नमस्कार स्टूडेंट्स, हम अभी हिंदी का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसका नाम है ईदगाह। हमने आगे पढ़ा कि हामिद मेले में चिमटा देखता है और उसको अपनी दादी की याद आ जाती है कि अगर मैं ये चिमटा लूँगा तो मेरी दादी बहुत ही खुश हो जाएगी, उसकी उंगलियाँ नहीं चलेगी। वो रोटी सेकते टाइम उस चिमटे से अगर रोटी सेकेगी तो उसके हाथ नहीं जलेंगे और कितने सारे काम में वो चिमटा आ सकता है। तो अभी आगे क्या होता है वो देखते हैं। हामिद के साथी आगे बढ़ गए हैं, सबील पर शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ ली, मुझे किसी ने एक भी न दी। उस पर कहते हैं मेरे साथ चलो, मेरा ये काम करो, मेरा वह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाइए मिठाइयाँ, आपका मुंह सड़ेगा, फोले फुसियाँ निकलेगी, आपकी जबान चटोरी हो जाएगी, तब घर से पैसा चुराएंगे और मार खाएंगे। हामिद वैसे तो छोटा बच्चा तो था, उसका मन भी ललचा रहा था ये सब करने के लिए, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे तो उसकी मजबूरी थी। तो सब साथी आगे बढ़ जाते, सब शरबत पी रहे, तो हामिद को भी इच्छा होती है शरबत पीने की, लेकिन पैसे कम होने की वजह से वो अपने मन को मना लेता है। लेकिन बाल मानस था इसलिए वो अपने दोस्तों पर गुस्सा करता है कि देखो मेरे दोस्त कितने लालची है, इतनी मिठाइयाँ खाए। किसी ने भी हामिद को ऐसा नहीं कहा कि चल तू भी हमारे साथ मिठाई खा ले या तो मेरे साथ शरबत पी ले। ये सारे दोस्तों को हामिद लालची कहता था, क्योंकि जब कुछ भी काम होता था तो सब हामिद के पास जाते थे, और जब अगर अभी जब हामिद को उसकी ज़रूरत है उन लोगों की, तो कोई भी उसकी पूछा नहीं करता है। तो थोड़ा गुस्सा होकर बोलता है कि आपको मुंह सड़ेगा, फोले होंगे, ये होगा वो होगा। फिर ऐसे के तब फिर वो हामिद ने सोचा कि अगर मैं ऐसे बोलूँगा तो घर से पैसे चुरा के आएंगे, फिर मार खाएंगे। ऐसा वो उसके बाल मानस में सब बातें घूम रही है। अम्मा चिमटा देखकर मेरे हाथ से ले लेंगी और कहेगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन इन्हें दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधी अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या, मैं गरीब सही किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। हामिद सोचता है कि मैं अगर चिमटा लेके जाऊंगा तो मेरी अम्मा मेरी दादी बहुत ही खुश हो जाएगी और वो खुश होकर बोलेगी कि मेरा बच्चा मेरे लिए चिमटा लाया, कितना अच्छा लड़का है। और फिर वो दादी दुआएं देगी, अम्मा दुआएं देगी। और हामिद के हिसाब से बड़ों की दुआएं जो होती है, जिसको हम आशीर्वाद बोलते हैं, हम भी कहीं पे भी अच्छा काम करने जाते हैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेके जाते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि बड़ों का आशीर्वाद भगवान के दरबार में जल्दी पहुंच जाती है और वो भगवान उनका सुन भी लेते हैं। तो हामिद अपने आप को मनाता है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मैं भले गरीब हूँ लेकिन किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। ऐसे करके वो अपने मन को मनाता है और उसी टाइम वो निर्णय ले लेता है कि मुझे दादी के लिए चिमटा ही लेना है। उसने दुकानदार से पूछा ये चिमटा कितने का है। 6 पैसे लगेंगे। दुकानदार को चिमटे की प्राइस पूछी तो 6 पैसे, लेकिन हामिद के पास तो 5 पैसे थे। फिर वो बोलता है, हामिद का दिल बैठ गया, फिर बोले हामिद के पास 3 पैसे थे। हामिद का दिल बैठ जाता है कि अरे बाप रे ये क्या, मेरे पास तो बहुत कम पैसे है। और ठीक ठीक बताओ ऐसे बोलता है कि और प्राइस करो, जैसे हम कहीं पे कुछ लेने जाते हैं तो हम भावताल करते हैं, वैसे ही हामिद भी भावताल करता है, बोलता है ठीक ठीक बता। तो दुकानदार बोलता है ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो ले, नहीं तो चलते बनो। दुकानदार भी अड़ियल था तो वो भी बोलता है कि 5 पैसे लगेंगे, लेना है तो लो वरना चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा, मतलब हिम्मत जुटा के, कलेजा मजबूत करना मतलब हिम्मत जुटाना। उसने हिम्मत जुटाते कहा कि 3 पैसे लेंगे, उसके पास थे ही 3 पैसे तो और ज़्यादा देता कैसे।
और ऐसे कहे कि वो आगे बढ़ गया, क्योंकि उसको पता था कि दुकानदार गुस्सा होगा तो उसके, और वो आगे बढ़ गया ताकि दुकानदार की घुड़कियाँ ना सुने, मतलब दुकानदार गुस्सा होकर जो बोले वो उसको सुनने ना पड़े। लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी। घुड़कियाँ मतलब कि भावताल करने के लिए जो दुकानदार हमारे साथ आर्ग्यूमेंट करता है उसको घुड़कियाँ बोलते हैं, और उल्टा हुआ यहाँ पर। लेकिन दुकानदार ने कुछ नहीं कहा और बुलाकर उसको चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है, फिर शान से अकड़ता हुआ संगियों के पास गया। हामिद को चिमटा मिल गया, वो खुश हो गया। दुकानदार ने भी एक ही बात उसकी बात मानकर 3 पैसे में उसको दे दिया, और हामिद को तो ऐसे लगा जैसे दुनिया की कोई बड़ी चीज़ लेके वो जा रहा है। और बंदूक कैसे खंभे पर रखते वैसे खंभे पर चिमटा रखते हुए वो आगे बढ़ता है, अपने संगी मतलब अपने मित्रों के साथ साथियों के साथ पास जाता है। मोहसिन ने हंसकर कहा, ये चिमटा क्यों लाया बुद्धू, इसका क्या करेगा। उसका एक फ्रेंड उसको हंस के पूछता है कि ये क्यों लाया, तू तो बुद्धू है इसका क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को जमीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिस्ती तो जमीन पर गिराओ, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी बच्चों की। हामिद उसको अपनी बाल मानस भावना से समझाता है कि देख मैंने ये चिमटा गिराया, उसने पटक कर कहा तो मेरे चिमटे को कुछ नहीं हुआ, तेरा जो भिस्ती तूने लिया उसको नीचे गिराओ, अब भी सारी हड्डी पसलियाँ चूर चूर हो जाएगी। महमूद बोला, तो ये चिमटा कोई खिलौना है क्या। हामिद बोलता है, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखूं तो बंदूक हो गई, हाथ में ले लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, चाहूं तो इसे मंजीरे का काम ले सकता हूं, एक चिमटा जमा दूं तो तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाएगी, तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाए मेरे चिमटे का बाल भी बाका नहीं कर सकते, बहादुर शेर है मेरा चिमटा। हामिद अपने चिमटे की तारीफ करते हुए कहता है कि क्यों नहीं खिलौना है, अगर खंभे पे रखूँगा तो बंदूक हो जाएगी, हाथ में लूँगा तो जो फकीर लोग चिमटे, हम लोगों ने कई बार पिक्चर में देखा होता है कि हाथ में चिमटा लेकर फकीर गाना गाते हैं ऐसे, फिर मंजीरे का काम करेगा वो। अगर तुम्हारे इन सारे जो मिट्टी के खिलौने आप लोगों ने लिए उन पर एक एक अगर मैं ये चिमटा जमा दूंगा तो सारे की जान निकल जाएगी, लेकिन तुम्हारे ये सारे खिलौने मिलकर भी मेरे चिमटे को मारेंगे तो उसका बाल भी भागा नहीं होगा। समी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, उसका दूसरा फ्रेंड था जो समी, उसने खंजरी ली थी तो चिमटे की तारीफ सुनकर वो प्रभावित हो जाता है। वो बोलता है, मेरी खंजरी से बदलोगे, लो आने की, दो आने की है। समी का मन ललचा जाता है और वो हामिद को बोलता है कि एक काम करो, तू मेरी खंजरी से तेरा चिमटा बदलोगे, मैंने ये खंजरी दो आने के लिए। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, उपेक्षा से मतलब जो वस्तु हमें पसंद नहीं है और कैसे हम देखते हैं उस वस्तु के सामने, तो उससे उसी से वो देखता है, उसी दृष्टि से देखता है। बोला, मेरा चिमटा चाहे तो खंजरी का पेट फाड़ दे डाले, बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढप ढप बोलने लगी। हामिद वापस से अपने चिमटे की तारीफ करता है और खंजरी के बारे में बताता है कि नहीं, मेरा चिमटा तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ देता है, चमड़े की बनी हुई है, अगर एक बस सिर्फ ढप ढप बोलने लगती है, जरा सा पानी लग जाए तो ख़त्म हो जाए, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। कि तेरी खंजरी कैसी है, अगर कोई चमड़ा फट जाता है, पानी लग जाता है तो भी खराब हो जाती है, लेकिन मेरा चिमटा देखो कितना मजबूत है, शेर है वो, कि चाहे कुछ भी होगा, आग पानी जो भी होगा, आंधी तूफान, लेकिन उसका कोई कुछ नहीं बिगड़ सकेगा। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया, लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं। सबको ऐसा लगा कि अरे बाप रे, ये हामिद ने जो लिया है वो तो सही खिलौना है, लेकिन किसी के पास पैसे नहीं थे। फिर मेले से बहुत दूर निकल आए है, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी है, बड़ों से जीत करे तो भी चिमटा नहीं मिल सकता। हामिद है बड़ा चालाक, इसलिए उसने अपने पैसे बचा रखे थे। सब बच्चे जो थे वो अभी चिमटे की ओर आकर्षित हो रहे थे और सब लोग ऐसे सोच रहे थे कि अरे बाप रे, हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, हामिद बहुत चालाक है, उसने तो अच्छा सा खिलौना ले लिया। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा थर्ड पार्ट ख़त्म होता है।
अभी फोर्थ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अस्तु।